हमारा आज का टॉपिक है लिवरवॉर्ट्स। लिवरवॉर्ट्स क्या है? क्लास है ब्रायोफाइट का। ये कहाँ मिलते हैं? नमी वाले इलाकों में मिलते हैं और जहाँ छाव होती है ऐसे हैबिटाट्स में मिलते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है थैलॉइड होती है, मतलब थैलस की जैसी होती है। टू रूट स्टेम लीफ इन पे नहीं होती, ठीक है? रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन पे। इनका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, मतलब जो लीफ का इनका सरफेस होगा ना वो अपर सरफेस और लोअर सरफेस डिफरेंट होगा। उसके बाद ये क्या होते हैं, क्लोजली अटैच्ड होते हैं ग्राउंड से, मतलब जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं काफ़ी अच्छे से। ये ज़मीन को यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट कहा है, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेटम कह लीजिए आप, ठीक है? ये वो वाला सबस्ट्रेट नहीं है जो एंजाइम के साथ जुड़ता है, यहाँ पे ग्राउंड के लिए सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया गया है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन करेंगी या फिर गैमे बनाएंगी। गैमे को सिंगुलरली हम गैमा कहते हैं। ये हमने एग्जाम्पल ले लिया है मार्जेंशिया का, फीमेल थैलस है। मार्जेंशिया में मेल थैलस और फीमेल थैलस अलग अलग होता है, तो मार्जेंशिया का फीमेल थैलस है और इस पे यहाँ क्या बन रहा है, गैमे कप्स है। इन गैमे कप्स के अंदर क्या होता है, गैमे बनता है और उसके बाद ये गैमा यहाँ से डिटैच हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है, और अलग होके ये एक नया इंडिविजुअल मतलब नया पौधा बना लेता है। ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। या तो सेम थैलाई पे करेंगे या फिर अलग थैलस पे करेंगे, या तो थैलस सेम होगा या थैलस डिफरेंट होगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम है, एंथ्रोजॉइड बनाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम है, एग बनाएगा। एंथ्रोजॉइड्स हमारे बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, वाटर के थ्रू आर्किगोनियम के पास पहुंच जाएंगे। आर्किगोनियम में एग है, फ्यूज हो जाएगा, जायगॉट बनेगा। जायगॉट इमिडिएट म्यूसिस नहीं करेगा, पहले स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होगा। और स्पोरोफाइट को हमने डिवाइड कर रखा है फूट सीटा कैप्सूल में। अब ये जो कैप्सूल है इसमें स्पोर्स बनेंगे, ठीक है? और यही स्पोर्स जर्मिनेट होके बनाएंगे फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और यही फ्री लिविंग गैमेटोफाइट या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा।